फ्रेंड्स, दिस इज मुकेश फ्रॉम लर्निंग टेक्नोलॉजी और आज मैं न्यू टॉपिक के साथ आपके सामने आ चुका हूँ। ठीक है, यह है मेरा चैनल लर्निंग टेक्नोलॉजी, इसको प्लीज जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटा दबाना ना भूलें ताकि मेरे सारे अपडेट्स आपके पास आ जाए। ठीक है, ये मेरा वेबसाइट है www.civilofficial.com, www.learningtechnologyofficial.com और ये मेरा ईमेल आईडी है civilengineeringofficial@gmail.com। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम नहीं गवाऊंगा, टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आज का टॉपिक है कॉन्किट क्यूब, जिसका मैं लास्ट वीडियो में वॉल्यूम निकालना बताया था, आज मैं उसका वेट निकालना बताऊंगा। ये इंटरव्यू में बहुत बार पूछा जाता है, सडनली पूछ देंगे कि बताओ तो जो साइट पे तुम कॉन्किट क्यूब देखते हो उसका वेट बता पाओगे, तो अगर ये आपको नहीं पता है, हाँ फॉर्मूला बता दोगे लेकिन आपको याद रखना होगा ये कितना होता है इसका वेट। ठीक है, तो चलो मैं वही आज आपको बताऊंगा। पहले मैं क्या करता हूँ, वेट निकालने के लिए क्या क्या लगता है वो मैं लिखता हूँ। तो वेट का फॉर्मूला क्या होता है, वेट इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। ठीक है, चलो अब देखते हैं, वेट के लिए वॉल्यूम चाहिए, मतलब इसका वेट अगर निकालना है तो क्या क्या चाहिए, वॉल्यूम चाहिए और डेंसिटी चाहिए। ठीक है, तो वॉल्यूम कैसे निकलेगा, मैंने अपने लास्ट वीडियो में वॉल्यूम दिखाया था, मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, डायरेक्ट लिख दूंगा। अगर आपको देखना है, जानना है तो प्लीज मेरे पिछले वाले वीडियो को देखें, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। ठीक है, और डेंसिटी, चलो डेंसिटी ऑफ मटेरियल ये याद रखना, तो ये मटेरियल क्या है इसको पता है, ये कॉन्क्रीट को क्या बोलते हैं, पीसीसी। एक्चुअली इसमें कोई रेनफोर्समेंट नहीं है ना मेरा, अगर रेनफोर्समेंट रहता तो ये आरसीसी होता, बट इसमें रेनफोर्समेंट नहीं है तो ये क्या है, पीसीसी। पीसीसी फुल फॉर्म क्या है, प्लेन सीमेंट कॉन्क्रीट, सॉरी। ठीक है, प्लेन सीमेंट कॉन्क्रीट, और प्लेन सीमेंट कॉन्क्रीट का जो डेंसिटी होता है वो कितना होता है आप लोगों को पता है, 2400 केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है, 2400 केजी पर मीटर क्यूब, आरसीसी का होता है 2500 केजी पर मीटर क्यूब। भाई ये सारा इंपॉर्टेंट जो छोटा छोटा ये बेसिक पॉइंट है ना, पीसीसी का डेंसिटी कितना हुआ, उसका वो कितना हुआ, ये सब मैं क्या करूंगा, एक वीडियो बना के आपको दे दूंगा। चलो फिलहाल के लिए जान लो ये पीसीसी के लिए इसका डेंसिटी कितना है, 2400 केजी पर मीटर क्यूब, 2400 केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो चलो वॉल्यूम लास्ट वीडियो में हम लोग कितना निकाला था, 0.003375 ये होता है वॉल्यूम। ठीक है, इनटू डेंसिटी अभी मैंने देखा यहाँ पे 2400। ठीक है, तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो मेरा आंसर आएगा वो आएगा 8.1, यूनिट क्या होगा, केजी। ठीक है, 8.1 केजी। तो अब कोई भी अगर आपसे पूछे कि कॉन्किट क्यूब जो 150 × 150 × 150 का है, सॉरी सबसे पहले तो मैं इंपॉर्टेंट चीज़ बताया ही नहीं, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, डायमेंशन क्या है इसका, इसका डायमेंशन है 0.15 × 0.15 × 0.15 मीटर। ठीक है, इस डायमेंशन का अगर क्यूब है तो उसका वेट कितना होगा, 8.1 केजी। ठीक है, अगर अलग डायमेंशन का अगर उन लोग बोल देता है तो सिंपल है, सिर्फ आप वॉल्यूम निकालो उसका और डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो 8.1 केजी। चलिए आज के वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर कुछ नया लेके आऊँगा। चलो बाय।